जा रहे हैं गणित के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है प्रतिशत के लिए, क्योंकि यह गणित का ही अध्यायों का समावेशन है। अगर इसको समझ लेंगे तो कई अध्याय आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न लिखिएगा, एक व्यक्ति की आय में, एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो गई, कुछ दिनों के बाद पुनः उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, जब परसेंटेज के सवाल में दिए गए लगातार क्रमिक रूप से वृद्धि हो तो क्या करते हैं। तो माना उसका आय आपको नहीं पता था, तो माना उसका आय कितना था, 100 था। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर कह रहा है उसकी बार, पहली बार जो उसकी आय बढ़ी थी 20%, माने 100 से ज्यादा हुई थी, कितना ज्यादा, 20%। हम लिखेंगे कितना, 120/100। फिर क्या कह रहा है, फिर बढ़ी, कितना बढ़ी, 10%, 110/100। 100 से कैंसिल, यह 0 से, यह 0, यह 0 से ऊपर क्या बचा, 12 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 132। तो 100 से ज्यादा है या कम, 100 से ज्यादा, कितना ज्यादा, 32, तो 32% अधिक। ये देखेंगे ना, डिफरेंस निकाल देंगे, 132 - 100 कितना आया, +32, तो जिसका आंसर होगा वो होगा 32%, माने 100 से ज्यादा आया, कितना ज्यादा, 32, तो 32% इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, अब एक प्रश्न और लिखते हैं। एक व्यक्ति के आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, पुनः कुछ दिनों के बाद उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो इस प्रकार उसके आय, सॉरी 20% वृद्धि हुई, दोबारा 20% कमी हुई, इस प्रकार उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार 20% वृद्धि हुई, पुनः 20% की कमी हुई, तो इसका विकल्प दे दिया कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 20% अधिक होगा, 4% कमी होगा, 4% अधिक होगा, तो ये कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं इसको। मानो उसकी आय पहले क्या थी, नहीं पता, 100 था, तो पहले क्या हुआ, बढ़ा, कितना बढ़ा, 20, 100 से ज्यादा हुआ कम, ज्यादा, कितना ज्यादा, 20, तो जाएगा 120/100। फिर कह रहा कमी हुई, कितना कम, 20, तो 80/100, ये 100 से कैंसिल, यह 0 इससे, यह 0 इससे, तो क्या हुआ, 12 × 8, तो कितना हो जाएगा, 12 × 8, 100 से ज्यादा है कम, कितना कम, 4% की कमी, तो हो जाएगा 100 - 96 = इसकी बस एक खासियत है, 100 से ज्यादा कितना ज्यादा, 100 से कम है तो, अभी तो लग रहा था 20 बढ़ा 20 कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ। अब इसी को लाभ हानि में देखे, पहले प्रश्न को, तो एक दुकानदार ने अपने वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, जिससे उसकी बिक्री 10% की वृद्धि हो गई, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मानो उसकी आय पहले 100 थी, कितना बढ़ा है, 120/100, उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, 110/100। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये देखा कि दूसरे प्रश्न में हमने लिखा कि एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, जिसके कारण उसकी बिक्री में 20% की कमी हो गई, तो बताएं कि उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानो उसकी आय 100 थी, 20 बढ़ी, 120/100, फिर कम हुई 20, फिर 80/100, तो 100 से 100 कैंसिल, दोनों लड्डू कैंसिल, 12 × 8 = 96, 100 से कम है ज्यादा, कम, कितना कम, 4% उत्तर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे प्रश्न लिखिएगा। ये तो सवाल पे था, क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे बट्टे देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु के मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित किया तथा 10% और 20% छूट देने की बात करता है, तो बताएं उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ही प्रोसेस है, 20% बढ़ाकर अंकित किया, 120/100 किया, फिर क्या कहता है, 20% छूट देने की बात करता है, 80/100
100, फिर उसके बाद 4% माने 4% का क्या हुआ, कमी हुई। ठीक समझ में आप लोग को? चलिए और आगे लिखते हैं क्वेश्चन, समझते रहिए लिखते रहिए, एक की लाइन में आपको आसानी से समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो ये प्रक्रम था आपका यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अब इसी पे अगर मूल्य दे देता, इन्हीं दोनों प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, यदि 550 रुपए की एक वस्तु में, ऐसा पूछा प्रश्न, 550 रुपए की एक वस्तु में पहले 20% मूल्य वृद्धि कर दी जाए पुनः 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उस पे जो लाभ प्रतिशत कितना होगा, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अब इसको लगाने के लिए बड़ा सा नियम लगाएं, कुछ भी नहीं करना है, जब परसेंटेज की बात किया है परसेंटेज दिया तो मूल्य को बगल में रख दीजिए, मूल्य से लगाएंगे तो भी लगेगा, उत्तर बड़ा सा आएगा। फिर वही प्रोसेस यूज करेंगे, पहला ही क्या यूज करेंगे, माना वस्तु का मूल्य कितना था, 100 था, तो पहले कितना बढ़ा, पहले कितना बढ़ा, तो पहले बढ़ा 120 बटा 100, फिर कितना बढ़ा 110 बटा 100, कुल कितना बढ़ा 32%। अब मूल्य का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, या मूल्य से यहाँ कोई मतलब नहीं, या एक फिर आ गया, एक दुकानदार ने एक 3200 रुपए की साइकिल पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करके और 20% छूट देने की बात करता है, तो बताओ उसके लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भैया कुछ नहीं पड़ेगा, क्या होगा, पहले तो लिखेंगे जब परसेंटेज की बात का मूल्य का मतलब है नहीं, चाहे 3500 की साइकिल हो चाहे 5000 की साइकिल हो, जिसका क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है ना अमित जी, तो पहले 100 था तो पहले कितना मूल्य बढ़ाया, बढ़ा की बात की 20, तो 120 बटा 100, फिर कितने की बात कहा कमी की 80 बटा 100, तो काट दिया 4% कमी, तो 4% कमी मूल्य चाहे जितना रहा हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे थोड़ा सा बढ़े तो और आगे बढ़ते हैं, तो अब प्रश्न को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं या और आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब इसी को जनसंख्या के दृष्टिकोण से लिखेंगे, जनसंख्या में भी वृद्धि और अवमूल्यन दो तरह के टर्म है, दो तरह के शब्द आएंगे, उनको भी लिख लीजिएगा। एक नगर की जनसंख्या 10,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 10,000 थी, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो सेम प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है, क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहां पे भैया जनसंख्या की बात का, जनसंख्या कितना दिया है 10,000 थी, कितना बढ़ा 10%, 110 बटा 100 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 110 बटा 100, फिर अगले वर्ष 110 बटा 100, यह 100 या 20, 20 किसी लिया 20, दो लड्डू स्कट के ऊपर क्या बचा 110 × 11 × 11, इसको डिवाइड करेंगे तो 13,310, तो नगर की जो जनसंख्या थी वह 13,310 थी। अब इसी प्रक्रम में हम लोग बढ़ते चलेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, और ऑनलाइन क्लास अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो मोस्ट वेलकम आपका, और नहीं ज्वाइन किया तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप घबराइएगा मत, क्योंकि मेरी गारंटी है मुझे सिलेबस खत्म करना है, आपको समझा के खत्म करना है, और आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो यूपी टेट का भी मैथमेटिक्स मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि आप परसेंटेज पढ़ने बाद आपको समस्याएं ना रहे। तो अब ये कितना हो गया 13,000, अब इसी प्रश्न को घुमा देते हैं हम, चलिए लिखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष दर से वृद्धि के पश्चात 3 वर्ष बाद 13,310 हो जाती है, 13,310 हो जाता है, तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। इसी प्रश्न को कह देगा कि 2005 में नगर की जनसंख्या 2005 के बाद से 10% प्रतिवर्ष दर से बढ़ने के बाद 2008 के अंत में उस नगर की जनसंख्या 13,310 हो जाती है, तो 2005 के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। तो सेम प्रश्न है, ईयर भी दे देगा लेकिन उलझिएगा मत, सुलझ नहीं पाएंगे। फिर क्या करेंगे, भाई प्रारंभ में जनसंख्या नहीं पता था तो माना जनसंख्या यक्ष था,
गुड़े कितना बढ़ रहा है, 10, कितना 110 बटा 100, गुड़े 110 बटा 100, फिर गुड़े 110 बटा, अब कितना हो जा रहा है 13,310, ऊपर के 1, 2, 3 लड्डू, ऊपर के 2, 1, 3 लड्डू, 11, 11, 11, 1331 से काटेंगे तो बचेगा यहाँ 10, नीचे का 1, 2, 3, 4 जीरो, माने 10 × 100 1,000, 1,000 गुड़े 10, यक्ष बराबर 10,000। तो उस नगर की जो जनसंख्या थी 2005 में या प्रारंभ में वह 10,000 ही थी। लेकिन यह क्वेश्चन लगता है कैसे पता है, यह लगता है आपके ये प्रश्न की जो लगाने का तरीका है वो लगता है आपके चक्रवृद्धि ब्याज से, जिसका रूल है a बराबर p कोष्टक में 1 + r/100 n। लेकिन हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, हमें किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बिना सूत्र के ही हम लोग को सॉल्व करना है या बिना किसी फार्मूले के ही हमें इस गणित को सॉल्व करना है, ठीक। क्योंकि इसके बाद भी मैं पूरा प्रोसेस पूरा पढ़ाऊंगा इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। उसके बाद आपको जो पब्लिक रूप से जो वीडियो मिलती है सबको ऐतराज होता है, इसलिए आप अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और नई बैचेस प्रारंभ होने वाली, इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि आप सभी वीडियोज आपको प्राप्त हो पाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब इसी प्रश्न को अगर हम पलट दें, अगर इसी प्रश्न को हम और बदल के लगाने का प्रयास करें, इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, तब वह प्रश्न कैसे लगेगा। देखिए वह प्रश्न तब कैसे लगेगा, उसके लिए भी हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फेसबुक पेज और टेलीग्राम का, वहां भी आप जोड़ सकते हैं। अब अगर इसी प्रश्न को दे दे कि एक नगर की जनसंख्या 10,000 थी, प्रति वर्ष एक निश्चित दर से वृद्धि के पश्चात 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या 13,310 हो जाती है, तो प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी। तो बस सेम तरीका है, भैया जी कह रहा है कि नगर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, कितना बढ़ रहा है नहीं पता, माना x परसेंट बढ़ रही है तो हो गया 100 + x पूरे का बटा, तो ये भाग 3 कर दीजिए या 3 बार इसका गुणा कर दीजिए, फिर बराबर कितना हो जाता है 13,300, यह बराबर कि उधर गुड़े गुड़े से कट जाता, अच्छा 10,000 है ना, 4 लड्डू होगा 1, 2, 3, 4, तो यह लड्डू, यह लड्डू कट गया, नहीं कटता उधर ले जाइए, सीधा सीधा काम करिए, उधर जाएगा तो 100 + x/100 3 बराबर 13,310 / 10,000, यह लड्डू लड्डू कट गया, अब 1331 / 1,000 क्यूब बन गया, क्योंकि यही बनता है जो इधर दिया गया होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा उसी के रूप में कन्वर्ट होता है, तो यह हो जाएगा 11/10 होल क्यूब। हम एक लाइन लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, या तो ये इसको इसको काट दीजिए सीधा, या लिख दीजिए चूंकि दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, तो घनमूल लेंगे तो इस तरह से लगेगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें 100 + x/100 = 11/10। अब क्या करें, तिरिया गुणा कर देंगे, तो तिरिया गुणा करेंगे 10 × 100 करेंगे तो 1000 + 10x = 11 × 100 1100। अब भैया ये बिरादर उस साइड ले जाइए तो मिला 10x = 1100 - 1000, फिर 10x = 100, तो x = 100/10 कट गया तो 10%, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितना था, 10% था। फिर इसी में शब्द आता है अवमूल्यन होना, क्या ना, अवमूल्यन होना, तब उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, ठीक। और दो एक तो प्रश्न आप और भी लिख लीजिएगा, चलिए प्रश्न बोल रहे हैं हम, प्रश्न बोलने से पहले देखिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, और इस समय सीटेट की बैचेस प्रारंभ है, और यूपीटेट सुपर टेट के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए पेपर तैयार रह पाएंगे। और हाँ, और अमित सर के द्वारा NCT रेलवे की जो NTCP की जो वैकेंसी आई है, ग्रुप डी की आई है, वो भी बैचेज आपको होली के अगले दिन से ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगी, तो आप सब लोग जुड़ना चाहें मोस्ट वेलकम है। लेकिन सीटेटी क्लास में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस समय बैचेज प्रारंभ है, 7 जुलाई तक एग्जाम होना है, इसलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 5,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 5,000 थी, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के दर, प्रतिवर्ष 10% वृद्धि के बाद 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक। इसी प्रश्न को फिर घुमा के बोल रहे हैं थोड़ा सा,
2002 में एक नगर की जनसंख्या 5000 थी और प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के बाद 2005 के अंत तक उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6655 हो जाती है। तो बताइए जनसंख्या की प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या थी? ठीक, अगला एक प्रश्न और बोलते हैं, उस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा और अगर उस प्रश्न को लगा लेते हैं इसका मतलब यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो लिखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, कितनी थी? 20,000 थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष, यदि जनसंख्या की वृद्धि 5% प्रतिवर्ष हो तो, 5% प्रतिवर्ष हो तो, 5% प्रतिवर्ष हो तो, प्रतिवर्ष हो तो 2 सही 4 बटे 5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? और इस तरह के और जो सवाल हैं वो हम आपको करवा देंगे और जल्द ही आप प्रयास करेंगे। और इसी पे चक्रवृद्धि, अच्छा एक बात भूल गए, यह सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का भी है। अगर इसी को चक्रवृद्धि ब्याज में लगाना होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? हम यूज करते a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n, माने a माने मिश्र धन बराबर मूल धन 1 प्लस दर बटे 100 पूरे के घाते समय। मतलब यही क्वेश्चनों को ऐसे बोल देता कि यदि 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, वही उत्तर आता 13,310। फिर इसी प्रश्न को यह कह देता कि 10,000 रुपए की धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 13,310 हो जाएगा, उत्तर आता 10%। सेम प्रोसेस है, इसी को बदल देता है किसमें, किसमें बदल देगा बताइए? हाँ, अब अवमूल्यन होगा, इसी में अवमूल्यन शब्द का प्रयोग कर देगा। तो आगे पढ़ेंगे इसी प्रक्रम पर, देखिए इसी फार्मूले पे अभी हम 3 अध्याय और पढ़ेंगे। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज भी दिखा दिए, अब इसमें अवमूल्यन भी था, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग पढ़ते रहेंगे क्योंकि आपको बोझ ना लगे, इसलिए क्रम वाइज क्रम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी में कभी देखिए जो 2 सही 4 बटे 5 वाला प्रश्न है अगले वीडियो में आएंगे, पहले उसी को सॉल्व करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंच जाए, और फेसबुक पेज पे लर्निंग विद दुर्गेश और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसे होते हैं जिनकी लिंक आपको यूट्यूब से नहीं मिल पाता, जैसे हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता, तो वो वीडियो लिंक आपको टेलीग्राम पे और मेरे फेसबुक ग्रुप पे पेज पेज मिल जाएगी लर्निंग विद दुर्गेश। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए लर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ज्वाइन करेंगे तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, सारे पुराने मैसेज आ जाएंगे। तो बस इसी प्रक्रम में आगे पढ़ेंगे, अवमूल्यन पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, और इसी में भी देखेंगे। अच्छा एक प्रश्न और लिख लीजिएगा तब आगे बढ़ते, एक प्रश्न और आप लोग लिख लीजिएगा। एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 20% की कमी हो, तीसरे वर्ष 5% की कमी हो, तो तीसरे वर्ष के अंत में, माने यह 3 वर्ष 10 -20 -5, तीसरे वर्ष के अंत में उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, यही प्रोसेस कि नगर की जनसंख्या पहले 20,000 था, गुड़े पहले कितना बढ़ा 20%, 120/100, फिर गुड़े, फिर क्या हो रहा है कम, कितना 20, फिर 80/100 क्योंकि 100 से कम हो रहा, फिर गुड़े 5%, फिर कमी, तो 95/100, तो 3 वर्ष हो गया, पहले वर्ष 120/100, दूसरे वर्ष 80/100, तीसरे वर्ष 95/100, काट दीजिएगा, जो प्राप्त उत्तर होगा वही उस नगर की जनसंख्या होगी। तो बस इसी प्रकार में पढ़ते रहेंगे, इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे तो जो बचा क्वेश्चन उसको उसमें सॉल्व कराएंगे, फिर इसी प्रक्रम में हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे, और उसके बाद में फिर हम यूपीटीटी सुपर टीटी सीटेट प्राइमरी अपर प्राइमरी अन्य राज्यों के जो टेट में परसेंटेज के प्रश्न आए हैं उसको भी हम लोग अध्याय के अंत में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।